Hey guys, today I'm going to share with you this full face Indian mom makeup tutorial. Step by step sab kuch bataungi kaise aap ye look achieve kar sakte hain, kaise aap jhatpat taiyar ho sakte hain bachcho ke saath bhi aur kaise aap ye makeup look seekhne ke baad kabhi bhi kisi bhi festival mein ya party mein kisi bhi outfit ke saath फटाफट रेडी हो सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पर आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको बहुत ही एक्सपेंसिव और महंगे प्रोडक्ट्स लेने की, आपको जो ब्रांड पसंद है आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। सिर्फ टेक्निक मैटर करती है जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियो अपलोड्स। तो सबसे पहले क्लीन फेस पे मैं लगा रही हूँ एक रोज़ वाटर मॉइस्चराइजिंग क्रीम विच ऑल्सो हैज़ ए सनस्क्रीन, इसलिए ये थोड़ा सा वाइट सा है। नेक्स्ट मैं इसके ऊपर लगाऊंगी अपना फेवरेट मेबलिन ड्रीम लिक्विड मूस फाउंडेशन, इसकी एयर ब्रश फिनिश है और ये शेड है मीडियम 4। एंड विद द हेल्प ऑफ ए डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसको ऑल ओवर अपने फेस पे टैपिंग मोशन पे लगाऊंगी, यानी प्रेस कर करके लगाऊंगी। आपको रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है अपना स्किन, उससे आपका स्किन भी ख़राब होता है, साथ ही साथ फाउंडेशन भी केकी होता है। फिर अंडर आइज़ के लिए मैं ये ड्राई स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर लेके एक हाइलाइटर पाउडर लगा रही हूँ, बनाना हाइलाइटर पाउडर। आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर अपनी नोज़ कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक कॉन्टोरिंग ब्रश, ये मेरा फेवरेट ब्रश है बिकॉज इट मेक्स द ओवरऑल नोज़ कॉन्टोरिंग एंड फेस कॉन्टोरिंग ईजी। इस ब्रश से मैं अपने जॉ लाइन, चीक बोन्स, नोज और फोरहेड को कॉन्टोर करूँगी और इसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्रश करूँगी, ब्लेंड करूँगी। इसको आप ब्लेंड करें और जब आप ब्लेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप पूरा ब्लेंडेड पाउडर आप अपने बालों के अंदर तक और कान के पीछे तक ले जाएं, तो ऐसे आपका जो लुक है वो आर्टिफिशियल नहीं लगेगा, बहुत ही नेचुरल लुक लगेगा। और कॉन्टोरिंग करने से आपकी नोज़ पतली लगती है और आपका फेस भी पतला लगता है, तो काफ़ी वेट गेन छिप जाता है इससे। सो कॉन्टोरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर आप एवरीडे मेकअप कर रहे हैं तो आपको फुल फेस कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ अपनी नोज़ भी कॉन्टोर करेंगे। तो मैं जैसे कि जब थोड़ा ग्लैम लुक लेती हूँ तो मैं इसको ऐसे अच्छे से कॉन्टोर कर लेती हूँ। ये आपकी चीक बोन्स को थोड़ा हायर लुक देता है, फोरहेड को थोड़ा छोटा, नाक को थोड़ा स्लिमर और फेस को भी थोड़ा वी शेप का लुक देता है। नेक्स्ट स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर, जो ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर है, उससे मैं अपना लगाया हुआ हाइलाइटर पाउडर ब्लेंड करूँगी। आप अपने हाइलाइटर को अपने फेस पे 2 से 4 मिनट छोड़ दीजिए, वो अच्छे से सेट हो जाता है, इट गेट्स मेल्टेड विद द नेचुरल स्किन हीट एंड देन उसको आप सेट कीजिए। फाइनली मैं ब्लेंडिंग ब्लेंडर से थोड़ा सा कॉन्टोरिंग हाइलाइटिंग पाउडर अपने जॉ लाइन के नीचे भी लगाऊंगी, कॉन्टोर के नीचे। इससे आपका फेस बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप होता है, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो, सेंटर ऑफ माई फोरहेड एंड चिन के सामने भी लगाऊंगी हाइलाइटर पाउडर। इससे आपका पूरा फेस स्कल्प्ट एंड कॉन्टोर एंड हाइलाइट हो जाता है। फाइनली मैं एक फाउंडेशन पाउडर ले रही हूँ, विद द हेल्प ऑफ ए पाउडर ब्रश मैं लाइट फाउंडेशन पाउडर अपने गले में और अपने फेस पे लगा रही हूँ। इससे आपका जो भी फेस मेकअप है, जो आपका बेस आपने अभी किया है, वो सेट हो जाता है और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है। नोज कॉन्टोरिंग मैं एंड ऑफ द मेकअप फिर से थोड़ा और टोन डाउन करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। अभी मैंने ये ब्लश लिया है जो मैट फिनिश का पीच ब्लश है और अपने फेवरेट ब्लश ब्रश से मैं इसे अपने हायर पार्ट्स ऑफ द चीक बोन्स, लिटिल बिट ऑन द नोज ब्रिज एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड एंड चिन पे भी लगा रही हूँ ये कलर। ऐसे आपका फेस का नेचुरल पिंकिश रोजी ग्लो टाइप का कलर आता है। सिर्फ चीक पे लगाने से काफ़ी ही आर्टिफिशियल लगता है आपका ब्लश, सो आप उसको थोड़ा सा फेस के दूसरे पार्ट्स पे भी लगाते हैं तो आपकी नेचुरल पिंकिश रोजी ग्लो स्किन लगती है। नेक्स्ट, लिप्स को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अपने फेवरेट मॉइस्चराइज़र से आप अपने लिप्स को अच्छे से मल के मॉइस्चराइज कर लीजिए, इससे आपकी लिपस्टिक भी बहुत अच्छे से लगेगी, साथ ही साथ आपको टाइटनेस नहीं लगेगी,
बनेगी मेकअप करने के बाद। फाइनली आईब्रोज को शेप करने के लिए मैंने आईब्रो पेंसिल ली है, कलर बार की है मीडियम शेड की, और ये शार्प आईब्रो पेंसिल से मैंने अपने आईब्रोज को थोड़ी सी थिकनेस, फिलिंग और आर्क दी है, और थोड़ी सी उनकी लेंथ भी बढ़ाई है। डिफरेंस देख लीजिए दोनों तरफ के फेस में, मेरा ही फेस है पर कितना डिफरेंस उभर के आता है। इफ़ यू शेप योर आईब्रोज प्रॉपरली, दैट इज़ द होल सीक्रेट ऑफ गेटिंग दैट परफेक्ट यंगर लुकिंग फुल फेस मेकअप ग्लो। नेक्स्ट मैं ये आई शेडो प्राइमर ले रही हूँ और इसको मैं अपनी आईलिड्स पे लगा रही हूँ। ये स्किप कर सकते हो आप कम्प्लीटली ये स्टेप, क्योंकि आपने फाउंडेशन ऑलरेडी आईलिड पे लगाया है, पर मैं लगाती हूँ ताकि मेरा जो आई शेडो है वो लंबे वक्त तक रहे। फिर ये ऑरेंज आई शेडो लिया है मैंने मैट, और इसको मैं लगा रही हूँ आउटर वी ऑफ माई आईलिड विद द हेल्प ऑफ ए ब्लेंडिंग ब्रश। और देन मैंने ये डार्क चॉकलेटी ब्राउन आई शेडो लिया है जो अपने मैं क्रीज बोन पे लगा रही हूँ। ये जो कलर कॉम्बिनेशन मैं आपको दिखा रही हूँ ये इंडियन स्किन के लिए तो परफेक्ट है ही, ऑल्सो ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रल लुक है। तो आप ये मेकअप किसी भी कलर के आउटफिट के साथ किसी भी फंक्शन पे पहन सकते हैं। तो ये वाला मेकअप आप किसी भी पार्टी में कभी भी इंस्टेंट रेडी होने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बचा हुआ जो आई शेडो था ब्राउन वो मैंने लोअर लैश लाइन पे भी थोड़ा सा लगा लिया है। फाइनली मैंने ये गोल्डन कलर का मेटलिक गोल्डन कलर लिया है, ये बिल्कुल भी मैट नहीं है, ये काफ़ी शिमरी है, तो इस लुक को थोड़ा सा ग्लैम कर देते हैं। और मैं छोटे से आई शेडो ब्रश से इनर कॉर्नर के पॉइंट्स पे भी थोड़ा सा ग्लो लगाऊंगी, लोअर लैश लाइन के इनर कॉर्नर पे भी हल्का सा मैंने लगाया है ताकि ये थोड़ा सा गोल्डन लुक आए। और फिर मैंने ये वाइट आई शेडो लिया है, ये मैट आई शेडो है, इसको अपने ब्रो बोन पे लगाएंगे और उसको धीरे धीरे हल्का सा नीचे लेके आएंगे क्रीज तक, और अपनी क्रीज में जो हमने ब्राउन आई शेडो लगाया था उसके साथ ब्लेंड कर देंगे। साथ ही साथ आउटर वी ऑफ द आईज पे भी हम इसको ब्लेंड कर देंगे, तो हमारा आई शेडो बहुत नेचुरल लगेगा। फाइनली मैं विंग्ड आई लाइनर लगा रही हूँ एक लिक्विड आई लाइनर यूज़ करके, और आप किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं गाइज, आपके पास जो ब्रांड हो आप वो यूज़ कीजिए, ब्रांड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओनली जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी टेक्निक मेकअप लगाने की और आप कैसे लगाते हैं। तो ये लिक्विड आईलाइनर ब्रश है, ये बहुत ही लंबी ब्रश है जिससे आईलाइनर बहुत अच्छे से लग जाता है। तो मैं एक थिक विंग्ड आईलाइनर लगा रही हूँ। विंग आईलाइनर लगाने से आपकी आँखें ऑब्वियसली काफ़ी लंबी लगती हैं, मोटी लगती हैं, बड़ी दिखती हैं, चमकदार लगती हैं। साथ ही साथ जो आपका पूरा फेस का जो होता है ना इंडियन स्किन का, काजल इज़ एवरीथिंग, तो आईलाइनर आपके काजल को भी बहुत हेल्प करता है कंप्लीट लुक देने में। तो मुझे ये बहुत ही फेवरेट स्टेप है। फाइनली मैं ये मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, इसमें दो वॉन्ड है, ये है तो कलर बार कॉस्मेटिक का, पर आप देखिए एक तो वो था छोटा और ये है बड़ा वॉन्ड। तो अभी मैं फ़िलहाल बड़ा वॉन्ड लेके फ्यू कोट्स ऑफ आईलैशेस लगा रही हूँ। अगर आप फेक आईलैशेस नहीं पहनना पसंद करते या आपको मालूम नहीं है कैसे पहनना है, तो आप 10-12 कोट इस के लगा लीजिए और आपकी आईलैशेस ऑलरेडी थिकर, फुलर और लॉन्गर दिखाई देंगी। साथ ही साथ लोअर लैश को कभी भी मत भूलिए, लोअर लैश पे भी सेम मस्कारा आप लगाइए और लेट इट ड्राई। मस्कारा लगाते वक्त ध्यान रखिए आप अपना आई मेकअप ना स्पॉइल कर दें। और अब मैं लगा रही हूँ एक काजल, तो काजल को मैं आउटर कॉर्नर से शुरू करके धीरे धीरे इनर रिम पे लेके आऊँगी। काजल हमें सिर्फ रिम पे लगाना है, ना आँखों के अंदर ना आँखों के बाहर, क्योंकि हम बहुत लाइट काजल लगा रहे हैं टू कम्प्लीट द होल आई मेकअप लुक। हमारा ऊपर का विंग्ड आईलाइनर थिकर लॉन्गर है, ये आई मेकअप देखो कंप्लीट हो गया है। सेम थिंग मैं रिपीट करती हूँ दूसरी आईज पे, एंड हियर यू गो, लुक हाउ डिफरेंट दिस लुक्स, हाउ ग्लैम्ड इट लुक। नाउ टू ग्लैम अप माई फेस आई एम कवरिंग माई ब्रिज ऑफ द नोज एंड फ्यू पार्ट्स ऑफ माई फेस विद अ हाईलाइटर। किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट आप यूज़ कीजिए, बस हाईलाइटर होना चाहिए। ये सिल्वर स्टोन का हाईलाइटर है, ये पीचिश, पिंकिश, ब्राउन, ब्रॉन्ज, अलग अलग टोन्स में भी आता है। मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है सिल्वर स्टोन का हाइलाइटर। इसको मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज एज वेल एज ब्रिज ऑफ माय चीक्स और हायर पॉइंट्स ऑफ माय चीक बोन्स, साथ ही साथ आईब्रोज के ऊपर लगा रही हूँ छोटे हाइलाइटर फैन
ब्रश से, और साथ ही साथ थोड़ा सा हाइलाइटर मैंने अपने क्यूपिड्स बो यानी अपने लिप्स के ऊपर जो हार्ट शेप होता है वहाँ लगाया है, और थोड़ा सा जो भी बच गया है वो अपने चिन पे डस्ट कर दिया है। फाइनली आईलैशेस, ये आप कम्प्लीटली स्किप कर दीजिए अगर आप बिगनर हैं और आप ट्राई नहीं करना चाहते। मैं करती हूँ जब फेस्टिव या पार्टी लुक होता है तो मैं फटाफट लैशेस लगा लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने लैशेस निकाले, उनके उनको अपनी आँखों के हिसाब के साइज से ट्रिम कर लिया और उनमें थोड़ा सा ग्लू लगा के अपनी आँखों पे रख लिया, और ये ग्लू ड्राई हो जाएगा तो ये काला ही ड्राई होएगा, तो इसके ऊपर दूसरी कोट ऑफ आईलाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली लिप्स को थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप लिप पेंसिल के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। अपने लिप्स को थोड़ा मोटा बनाना है तो लिप लाइनर थोड़े बाहर की तरफ से लगाइए, और पतला बनाना है तो थोड़े अंदर की तरफ से लगाइए। तो मैंने वही किया है, अपने ऊपर वाले लिप पे लिप लाइनर थोड़ा बाहर से लगाया है और अंदर वाले लिप में थोड़ा अंदर से लगाया है। वो वन ऑफ माई फेवरेट लिपस्टिक उसके साथ मैच करता है। तो ये NYX कॉस्मेटिक की लिपस्टिक है, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ इसको एवरीडे यूज़ के लिए एज वेल एज फॉर पार्टी मेकअप। ये मीडियम शेड की लिपस्टिक है, ना तो ये बहुत ही डार्क होती है जो बहुत ही अजीब सा डार्क ब्राइट लगे, और ना ही ये लाइट है जो ऐसे लगे कि लिपस्टिक लगाई ही नहीं है। फाइनली फाइनल स्टेप है मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो मैं अपना स्प्रे थोड़ा सा फेस पे लगा लिया है, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहता है और थोड़ी ड्यूई फिनिश आती है, तो फेस पे वो शाइन और ग्लो नेचुरल लगता है। और टू एसेसराइज दिस लुक आई एम वेयरिंग दिस झुमकास विच आई टोटली लव। आई गॉट देम सम टाइम बैक एंड आई एम जस्ट सो गागा ओवर इट एंड हियर कम्प्लीट्स द होल लुक। आप इस लुक को ऐसे भी कैरी कर सकते हैं, यह परफेक्ट है, पर अगर आप इसको थोड़ा इंडियन टच और ना चाहते हैं तो आप एक बिंदी लगा लीजिए, जो मुझे बहुत पसंद है, नेचुरल बिंदी, ये सौभाग्य ब्लू हेवन बिंदी है। माय मॉम यूजेस दिस अलॉट एंड मुझे आजकल आई एम सो गागा ओवर इट। तो ये बिंदी भी लगा लीजिए, और अगर आप मैरिड हैं तो आप सिंदूर से भी अपना पूरा लुक कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने एक शार्प टिप ऑफ द हेयर कुम से ये रेड सिंदूर लगा लिया है, और ये मेरा इंडियन मेकअप लुक कंप्लीट है गाइस। दिस इज़ हाउ ग्लैम्ड इट लुक। आप चाहें तो अपनी नोज थोड़ी सी कॉन्टोर और कर सकते हैं, मैंने बाद में थोड़ी सी नोज कॉन्टोर और कर ली थी। सो देख लीजिए गाइस, ये है कंप्लीट मेकअप लुक, कितना बढ़िया लग रहा है। मैंने फटाफट रेडी हो गया है। लोग पूछते हैं कि आप दो बच्चे की माँ हो और इतना टाइम आप वेस्ट करते हो मेकअप पे। जी नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करते, ये सिर्फ टेक्निक्स और तरीके हैं। ये कोई भी अगर अपने आप अपना मेकअप करना सीखे और किस चीज़ को कब कैसे कैसे लगाना है तो कोई भी इमीडिएटली रेडी हो सकता है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू हाउ आई एम डूइंग माई मेकअप रिसेंटली, एंड दिस इज़ द करेंट makeup look that I'm loving. It gets me ready very quickly for every party or any festival or puja or even when somebody is visiting home. So here it is guys, I hope you like this video. और अगर आपको ये makeup tutorial पसंद आया है तो इस video को ज़रूर like कीजिए, मेरे channel को please subscribe कीजिए और वो bell icon दबाइए, and मैं मिलती हूँ आपसे अगले video में। तब तक के लिए I love you all, thank you so much for watching, bye.